किसी हो निपटी लो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। एनटीजीएसई के जैन छात्र को निपटी लो, निपटी लो एनटीजीएसई के जैन छात्र को निपटी लो, निपटी लो एनटीजीएसई के जैन छात्र को निपटी लो, निपटी लो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। एनटीजीएसई के जैन छात्र को निपटी लो, निपटी लो एनटीजीएसई के जैन छात्र को निपटी लो, निपटी लो। 2018 में चयनित मैं एलटी ग्रेड की प्रतियोगी छात्रा हूँ सर। मेरा चयन 2018 में हुआ है। अभी से लेके मैं मतलब जो भी अभी मंथ चल रहा है 24 आ गया है, एक साल से हम लोग प्रयासरत रहे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाए, ठीक है। अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ हम लोग सब बताते हैं कि शिक्षा निर्देशालय जाइए या माध्यमिक शिक्षा आयोग इलाहाबाद जाइए, वहाँ सब जगह हम लोग जाके जैसे हो सकता है विनती कर चुके हैं, एप्लीकेशन देखे, यहाँ तक जनता दरबार में से हम लोग 6 से 7-8 बार जा चुके हैं। वहाँ भी बिस्किट और चाय भी हम लोग जो भी चाय या बिस्किट मिलता है वो खा के हम लोग आ जाते हैं। फिर यही कहा जाता है कि आपका 10 दिन में या 15 दिन में काम हो जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है सर। इससे अधिक और क्या बताएं आपको। हम लोग यहाँ भी बार बार कम से कम एक साल से लगातार आ रहे हैं, कभी कोई अधिकारी बैठते कभी कोई अधिकारी बैठते, बस 2 मिनट की बात करते हम लोग की पूरी बात भी। सर हम लोग 900 कुछ करके चयनित हुए हैं, लेकिन उसमें 400 लोग का सर सिलेक्शन फाइनल हुआ है, ठीक है। 400 लोग की डीवी जा चुकी है 2018 में सर। हम लोग की जुलाई में 7 पूरी डीवी कंप्लीट हो गई थी सर, 7 जुलाई से 24 जुलाई तक पूरी सब कुछ कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो भी है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बस प्यार से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। कोई वैसा हम लोग का है नहीं सर, बस नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग बहुत ही परेशान है सर। हमारा सामाजिक आर्थिक मानसिक सबसे सर मानसिक शोषण हो रहा है। हम लोग को नींद तक नहीं आती रात पे कि हम लोग सोए चैन से। सर एक साल हो गए पूरे, एक साल 3 महीने हो गए हम लोग को सर। क्या सर? हाँ सिलेक्टेड हम लोग का डीवी सब कुछ कॉन्फिडेंस, सिर्फ नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र हम लोग को अभी तक नहीं मिला गया, सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया था कि आश्वासन आज या एक हफ्ते का आश्वासन, 15 दिन का आश्वासन, ऐसे करते करते सर 15 मतलब हम लोग ने 3 महीने बाद आश्वासन मतलब 15 मतलब हम लोग का जब रिजल्ट आया था सर तो 3 महीने तक हम लोग ने वेट किया कि 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 से 4 महीने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लगातार पहले मैंने हम लोग ने आयोग में दिया, आयोग वालों ने बताया कि हम लोग का काम नहीं है, तो हम लोग शिक्षा निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय हम लोग की फाइल जाती है, हम लोग वहाँ गए तो उन लोग ने बोल दिया कि हाँ आ गया, लखनऊ में आ गया, सचिवालय में आ गया। तो हम लोग सचिवालय आ गए, सचिवालय से पता चलता है कि अब हम लोग का कार्मिक में गया है, कार्मिक में काम होने वाला है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। ये सुनते सुनते सर हम लोग को कम से कम 6 एलटी ग्रेड डीआईसी सर 2018 की नियुक्ति है हम लोग की, ठीक है। हम लोग हाई स्कूल में चयनित हुए हैं, 6 से हाई स्कूल वालों को हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ नियुक्ति पत्र के लोग परेशान है, दर दर भटक रहे हैं। पूरा जितने अधिकारी हो सकते हैं सब हर अधिकारियों से मिले, हर सांसद से मिले, मुख्यमंत्री जनता दरबार में सर हम लोग 6 बार जा चुके हैं, 6 से 7 बार। और यहाँ के जो लोग मतलब लोकल हैं वहाँ पे सर जाते हैं, चाय बिस्किट पीते हैं, उसके बाद जो आला अधिकारी वो मेरा एप्लीकेशन लेते हैं, बोलते हैं आप लोग का काम हो जाएगा। इससे अधिक कुछ नहीं हुआ है सर। तो ये हम लोग की हमको लगता है मुख्यमंत्री तक हम लोग की आवाज़ ही नहीं जा रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग की आवाज़ जाती सर तो आज हम लोग का काम हो चुका होता, क्योंकि योगी जी ऐसे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से बस यही विनम्र निवेदन करते हैं, उनका पैर छुके हम लोग निवेदन करते हैं कि किसी तरह से हम लोग को नियुक्ति पत्र दिला दें, उनके हमेशा आभारी रहेंगे सर हम लोग, यही बस कहना चाहते हैं। सर क्या रहेगा आगे, जो हम लोग अपने सब लोग संगठित हुए हैं, अब लोग संगठित हम लोग पोर्टल नहीं खुल जाएगा जब तक हम लोग डटे रहेंगे, जब तक हम लोगों का ये निर्णय रहेगा, जब तक हम लोगों का आदेश नहीं किया जाएगा पोर्टल नहीं खुले हम इसी तरह डटे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस आश्वासन साल भर से मिल रहा है और जी कोर्ट नहीं जाना, कोर्ट का कोई मैटर नहीं, तो कोर्ट जाने कोई मैटर नहीं, कोर्ट नहीं जाएंगे, बस हम लोग लीगल बिल्कुल मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, अगर आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे तो बस हम लोग का यही मोटो है कि हम लोग मुख्यमंत्री तक हम लोग की आवाज़ जाए, माननीय मुख्यमंत्री से सुनेंगे और वो अब जरूर हम लोग की मांगे पूरी करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं छात्रों को पीड़ा उन्होंने किया है, उन्होंने समस्या का हल किया है, समाधान किया है, कितनी ऐसी समस्या